टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट को हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, द टाइम टेकन बाय प्रोजेक्टाइल टू गो फ्रॉम वन प्रोजेक्शन टू गो फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू द पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट, टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल, यानी जैसे ही आप इसको फेंकते हैं तो जहाँ से ये जाता है कि जाके इसने जब ये हिट किया ग्राउंड को, ये वाला टाइम कितना लगा इसको, वो उसका टाइम ऑफ फ्लाइट होगा। तो इसको हम किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं, कंसीडर ए प्रोजेक्टाइल विच इज थ्रोन विद सर्टिकल वेलोसिटी वी नॉट, हम ये सपोज करते हैं कि प्रोजेक्टाइल को आपने क्या है कि फेंका विद सर्टन वेलोसिटी वी नॉट के साथ, मेकिंग एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, जो हॉरिजॉन्टल के साथ क्या है कि थीटा एंगल बना रही है, जो फिगर है ये हमें शो कर रही है। टू फाइंड द टाइम ऑफ फ्लाइट वी विल यूज द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, इसके लिए हम क्या है कि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को हम यूज करते हैं। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो वर्टिकल कंपोनेंट्स के लिहाज है कि फाइंड करनी है ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा, इसमें वैल्यूज किस तरह पुट करते हैं, वैल्यूज पुट करने के बाद हमारे पास आ जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट। तो इसमें है कि इसने डिस्टेंस क्या है कि ये जीरो के बराबर हो जाएगा। जीरो के बराबर क्यों होगा कि जैसे आप ये फेंकते हैं कोई चीज़ और वापस उसी पॉइंट पे आ जाती है, तो यानी जहाँ से आपने फेंकी और वापस उसी पॉइंट पे आ गई या वापस ज़मीन पे आ गई, तो आपका डिस्टेंस क्या है कि वो जीरो के बराबर हो जाता है। हमने वर्टिकल कंपोनेंट्स वी नॉट साइन थीटा के बराबर था और ए आपका माइनस टी के बराबर था, इस टी को हम कैपिटल टी लेते हैं, इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि इसमें जीरो इज इक्वल टू वी आई टी या वी नॉट साइन थीटा माइनस वन और जी टी स्क्वेयर के बराबर है। इसको हम क्या है कि माइनस साइन वाली को इक्वेशन के दूसरी तरफ ले जाते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा वन बाई टू जी टी स्क्वेयर वी नॉट साइन थीटा टी। तो इस टी के साथ हम क्या है स्क्वेयर के साथ ये टी काट देते हैं, तो आपके पास टी की वैल्यू कैपिटल टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये डिवाइड हो रहा है इधर जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये मल्टीप्लाई हो रहा है इधर जाके ये डिवाइड हो जाएगा, तो टी इज इक्वल टू वी नॉट साइन क्यू ओवर जी के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से हम क्या है कि टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड कर सकते हैं कि यानी कितने टाइम के लिए वो एयर में रहा। टाइम टू रीच समिट, मैक्सिमम हाइट पर पहुँचने के लिए कितना टाइम होगा, तो ये आपका टोटल टाइम आ गया था। इसमें से जो है कि हाईएस्ट पॉइंट पे पहुँचने के लिए इसका है कि ये अगर इसको दो पार्ट्स में हम कन्वर्ट करें तो ये वन बाई टू हो जाएगा, ये भी आपका वन बाई टू के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये भी आपका टी नॉट विल बी दी समिट हाइट, या इसको टू पे डिवाइड कर दें आपका टाइम ऑफ फ्लाइट को, तो ये आपका टाइम टू रीच मैक्सिमम समिट या मैक्सिमम हाइट इस तरह हम फाइंड कर सकते हैं।